आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, अब तो मैं होस्ट होने के नाते आप सबको हमारी जो परंपरा उसी हिसाब से हृदय से स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट एंड आई हैव फर्म बिलीव दैट दिस पर्टिकुलर इवेंट ऑफ म्यूचुअल डिस्कशन इंटरेक्टिव सेशन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन विल डेफिनेटली हेल्प अस टू डेवलप द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। और हमारी जो एजेंडा मैरीटाइम विजन 2030 हो और सागरमाला हो, पोर्ट, ग्रीन शिपिंग व्हाट एवर लाइक ग्रीन पोर्ट पॉलिसी हो और ब्लू इकोनॉमी हो, ये भी एजेंडा है ना। तो मुझे लगता है ये सारे एजेंडा पर आज डिटेल में चर्चा होंगे। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा क्योंकि आपको ही बताना होगा कि हम कैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन को साकार करें, सफल पूर्वक उसको लागू करें और आप लोग फील्ड में कमान संभाले हुए हैं। यू आर ऑल द कमांडर इन द फील्ड, सो यू विल हैव टू टेक द कमांड एंड विल हैव टू पुट अप आवर progress in such a manner that the entire country get benefited and the people of the country get benefited and the visibility of India's effort in the maritime trade will definitely be very much prominent. And as you know, Honorable Prime Minister has always been giving emphasis particularly to promote the sense of self-reliant attitude towards making India Atmanirbhar Bharat. To is silsile mein hum kaise safalata prapt kare, aur aaj main dekh raha hu Bharat ki nadi aur sagar ka sanjog ho gaya hai. To सबको कहना है कि मैं कल किसी से चर्चा कर रहे थे तो जब पटना से पांडू तक हमारे वाटरवेज का जो कार्गो वेसल 180 मैट्रिक टन ना 182 मैट्रिक टन की कार्गो उन्होंने यहां से पांडू तक पहुंचाने के लिए यात्रा शुरू किया है और उसी यात्रा काल में पटना की खास करके बिहार की जनताओं के सहयोग से बिहार सरकार प्रदेश सरकार के सहयोग से और हम लोगों ने इसको अच्छा शुरुआत किया है। तो मैरिनर का कहना है कैप्टन कौन से थे कैप्टन बंदोपाध्याय, हाँ तो उनका कहना है कि 25 दिन के अंदर ये यात्रा पूरा करेंगे, बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। माँ गंगा पिता ब्रह्मपुत्र में आज ये यात्रा शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि देश का अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जैसे कोस्टल शिपिंग साथ साथ आप इनलैंड वाटरवेज का भी अगर ऐसे ही प्रगति होते रहे, जल विकास जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का वो अगर हम ऐसे ही साकार करें और नदी का दोनों पार में बसे हुए जैसे कोस्टल रीजन में 9 प्रदेश और बाकी जो केंद्रीय शासित जो इलाका है इससे बचे हुए लोगों को जो आप मौका मिला है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सिलसिले में, किसान हो या फिशरमैन हो, उसी हिसाब से हमारे नदी सेक्टर में भी दोनों पार में बसे हुए किसानों को भी बहुत बड़ा मौका मिलेगा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनने के लिए। मुझे लगता है कि इसलिए हम सब मिलकर ये बात को विशेष रूप से साबित करना होगा कि हम काबिल है, क्योंकि अब भारत का जो यात्रा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जोर से चलने लगा है प्रगति के रास्ते पर, मुझे लगता है कि लोग देखते रहे और नई पीढ़ियों को उजागर करना होगा, नई पीढ़ियों को दिखाना होगा दुनिया में खड़ा करने के लिए हमको कितना बड़ा कदम उठाना होगा, उसी हिसाब से अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। द पर्सनैलिटी बिल्डिंग प्रोसेस, स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज, पावर, एनर्जी, इनोवेशन,
इनक्यूबेशन, इन सारी चीजों में नई पीढ़ी उजागर हो, नई पीढ़ी अपना शक्ति दिखाने के लिए आगे आए, इसी उम्मीद के साथ आज फिर से आप सबको मैं स्वागत करता हूं। और मैं आज दिन भर का जो कार्यक्रम है, आप सब जुड़ जाइए, दिल से जुड़ जाइए इस सभा में, और आपके जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो अनुभव है, इसी उपलब्धि के साथ आप निश्चित रूप से आपकी कंट्रीब्यूशन इस सभा में रखेंगे। इसी शब्दों का साथ सबको फिर से शुभकामना देते हुए मैं अपनी छोटी सी बोल को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।